ओके, सो वी वांट टू फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन गिवन। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो पहला टर्म लिखा हुआ है हमारे पास में 3 raised to power 2x square। इसको हम लिख सकते हैं 3 power x square का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है अगर हमारे पास में a पावर अल्फा होल पावर बीटा लिखा हुआ है तो उसको हम a पावर अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, माइनस टू ऑफ, नाउ दिस इज 3 के पावर में है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर में एक्स स्क्वायर हमने अलग लिख लिया और यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय 3 power x plus 6। ठीक है, नाउ प्लस 3 का पावर में एक्स प्लस 6 और इस पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब यहां से आप देखो तो इसको अगर हम 3x square को अगर हमने बोल दिया लेट से a, तो ये लिखा हुआ है हमारे पास में a square minus 2 a, और b बोल दिया हमने लेट से 3 raised to power x plus 6 को, तो ये हो गया 2 into a into b plus b square equal to 0। तो ये हमारे पास में लिखा हुआ है बेसिकली a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया a इक्वल टू बी। अब a क्या है, a है हमारे पास में 3 raised to power x square। ठीक है, और b क्या है हमारे पास में 3 का पावर में x plus 6। तो अगर बेस सेम है तो पावर कंपेयर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया एक्स प्लस 6, दोनों को कंपेयर कर लिया। ठीक है बात, तो यहां से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ऑफ 6 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर सकते हैं, दैट इज एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। तो यहां से एक्स का वैल्यू क्या आ गया आपके पास में 3 आ गया और एक्स का वैल्यू क्या आ गया माइनस 2। एक बार चेक कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2x, तो माइनस का x और माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज माइनस 6। तो ये हमारे पास में x की वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2।